मेरे को बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मेरे लिए व्रत रखा तो मैं इनको थैंक्स कहना चाहूँगी। तो गाइज काफ़ी सारे कमेंट में ऐसे ही फैल रखा था कि भी आपकी शादी तो हुई नहीं है, आपने बर्थ कैसे रख लिया या फिर वगैरह वगैरह। तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग कविता जी। तो गाइज अभी जस्ट आज है करवा चौथ, हम दोनों का व्रत है, तो अभी जस्ट कविता जी नहा धो के तैयार होंगे, सुबह के 8:30 बजे हुए हैं, तो अभी जस्ट ये नहा धो के रेडी हो जाएं, फिर मैं भी नहा धो लेता हूँ, फिर ये गाने सुनने के लिए जाएंगी या फिर फोन पे ही सुनेंगी वो आप देख लेना आगे। तो चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। कैसे हो कविता जी? क्या तो भाई अभी जस्ट कविता जी नहा धो के हो जाए तैयार, फिर आपको दिखाते हैं, ये नहाने अभी जा रहे हैं, फिर मैं भी नहा के आऊँगा और फिर जो भी होगा आप देख लेना आगे व्लॉग में। भाई अभी नहा धो लिए थे और यहाँ पे कविता जी भी रेडी हो रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं फुल रेडी होने के बाद। गाइज ये है चूड़ियाँ कविता जी की, और ये गाइज रात ने इन्होंने अपने हाथ से मेहंदी लगाई थी, कमेंट करके बताना कैसी कैसी है। है ये देखिए, मेरे यहाँ को तक तो है, काफ़ी अच्छी लगी, और ये थी यहाँ मेरे वाली, तक अगर आपने नहीं देखी हो तो ये देखिए, ये भी इन्होंने लगाई थी और इस हाथ के मैंने लगाई थी नहीं है। मेरे को खुद को देख के हंसी आ रही है। तो गाइज ये है चूड़ियों का डिज़ाइन, तो अभी जस्ट ये तैयार हो जाए फिर आपको पूरी को मिलवाते हैं। तो भाई कविता जी रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल फुल रेडी हो कविता जी, कुछ कहना चाहोगे? तो नहीं। भाई अभी कहानी सुनने की तैयारी है। तो गाइज अभी कविता जी सुनने के लिए गई है कहानी, तो अभी वो आ जाते हैं थोड़ी देर में, फिर मिलवाते हैं आपसे उनको। तो गाइज इससे जो पहले मैंने वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने भी व्रत रखा है क्या, अगर रखा है तो क्यों रखा है। तो गाइज मॉडर्न ज़माने के हिसाब से लगभग आजकल यार सभी रखते हैं, इसीलिए मैंने रखा था बात करके किसी से, एक आधे कपल से। तो ऐसा नहीं है जो भी हमने किया है किसी से पूछताछ के किया, ऐसे अपने मन से नहीं किया। तो गाइज काफ़ी सारे कमेंट में ऐसे ही फैल रखा था कि भी आपकी शादी तो हुई नहीं है, आपने बर्थ कैसे रख लिया या फिर वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल जी हम ऐसे रहते हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ रियल में, मैं कविता जी को 1% भी फील नहीं होने देता कि भाई वो मेरे से दूर हैं या मैं उनसे दूर हूँ, ऐसा गाइज इसलिए करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो गाइज नेगेटिविटी मत फैलाएं, अपना सपोर्ट बनाए रखें, और गाइज काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है जिन भाइयों की तरफ से, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और तो गाइज भूख वगैरह तो अभी कुछ लगी नहीं है, भगवान करवा माता सपोर्ट कर रही है अभी तक तो। तो वही यही कहना था, हेट मत फैलाएं और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करें। तो गाइज अभी देखते हैं, मेरी भी कविता जी आ गई हैं, तो अभी वो आ जाती है, फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो शॉर्ट्स वीडियो होगी, मतलब एक अनदर चैनल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज, शॉर्ट्स वीडियो अलग डालेंगे, तो उसका भी आपका जो लिंक वगैरह होगा या तो आने वाली वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी बनाया नहीं है, मतलब कल या परसों तक बन जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था एक बार 4-5 वीडियो शूट हो जाएं फिर मैं चैनल बनाऊंगा, तो अभी उनके आने के बाद शॉर्ट्स चैनल के लिए वीडियो शूट करते हैं और फिर जो भी होगा आपको दिखा देते हैं। तो वही अभी आए हैं छत पे जल अर्पण करने के लिए, चलो करिए कविता जी, अब मेरे को भी आना पड़ेगा, हाँ तो वही अपन को भी जाना पड़ेगा। तो वही अभी पूजा कर ली है और अभी जस्ट चाय पियेंगे, चाय बना के लेके आया हूँ कविता जी के लिए, तो अभी चाय पीते हैं। तो गाइज मैंने वीडियो में कमेंट पढ़े थे काफ़ी सारे कि मतलब जो आपने बिना शादी के करवा चौथ रखा है या फिर जो भी है, तो गाइज जो हमारा मतलब रिलेशन है उसको हम हस्बैंड वाइफ की तरह जीते हैं बिल्कुल, क्यों कविता जी? तो हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ मतलब हमने सभी से सलाह लेके, अपने बड़ों से, मतलब बड़ों घर वालों से नहीं, मतलब जो भी मेरे जानकार हैं,
उनसे अपने कुछ यूट्यूब पे जो फ्रेंड्स हैं, जो यूट्यूब कपल्स हैं जैसे अजय जी, ऋतु जी, इनसे सबसे जानकारी लेके फिर हमने ये व्रत रखा है। क्यों कविता जी, फिर उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो गाइज, हमने अब एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान रखे हैं, और मतलब इन्होंने मेरे लिए व्रत रखा, मैंने इनके लिए रखा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इन्होंने मेरे लिए व्रत रखा, तो मैं इनको थैंक्स कहना चाहूँगी। तो बिल्कुल गाइज, यही था यार। एक तो काफी ज्यादा हेट फैल रहा है इस चीज को लेके कि मतलब शादी हुई नहीं तो व्रत कैसे रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, दिल में जगह होनी चाहिए, सब कुछ हो जाता है। क्यों कविता जी, हाँ जी बिल्कुल। तो गाइज यही कहूँगा लास्ट में कि हेट मत फैलाओ और जो अपना नेगेटिव एरिया है उसको कवर अप करने की कोशिश करो। जो हमारे दिल से साथ है उनका साथ बना रहे बस, और जो हेट फैला रहे हैं या कर रहे हैं कोई बात नहीं। चलो शुक्रिया गाइज, ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और जो नाइट की वीडियो होगी वो आपको कल सुबह देखने को मिलेगी। ये अभी मैं डालता हूँ 2 या 2:30 बजे तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर मिलते हैं देना। गाइज जल्दी एक और अमेजिंग ब्लॉग में। तो तब तक टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय। बाय।